हमारे दिल दिमाग में कुछ नहीं आया, इतना जानते हैं बस कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया धर्म ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। और जो सैलरी है लोगों की सहायता करने में जाती रहे तो हमारा जो धन है उसका सही उपयोग हो सकेगा। अपने लिए तो हर कोई जीता है, इंसानियत यही है कि कुछ दूसरों के लिए भी जिया जाए। नहीं, प्रभु कृपा से हमारी जो सैलरी है अपनी सैलरी से ही सबका खर्च उठाते हैं। नहीं, अभी तक तो किसी ने हेल्प नहीं की और हम आशा करते हैं कि ऐसी आवश्यकता भी न पड़े, क्योंकि अपनी सैलरी से ही सेवा होती रहे यही बहुत है, क्योंकि हमें पब्लिक फंडिंग नहीं चाहिए। नमस्कार आदाब, मैं साजिद मलिक हूँ, आप समाचार वाले देख रहे हैं। प्रदेश की पुलिस का नाम सुनते हमारे दिल और दिमाग में एक इमेज बन जाती है, पुलिस मतलब डर खौफ, लोगों को सताना, लोगों को परेशान करना, लोगों को धमकाना, लोगों को गालियां देना। लेकिन पुलिस के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सुनकर के, जिनको देखने के बाद में लगता है कि पुलिस बहुत अच्छे काम भी करती है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारे लोग बैठे हैं, यहाँ पे जांच चल रही है खून की या ब्लड की या शुगर की, कुछ लोग जांच करा रहे हैं। लेकिन ये जांच करा कौन रहा है, इसके पीछे की वजह अगर आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि पुलिस जो होती है वो सिर्फ लोगों को धमकाती है, गाली नहीं देती है, बल्कि लोगों को के लिए अच्छा काम भी करती है, अच्छी हेल्प भी करती है। आपने देखा होगा कि कुछ पुलिस ऑफिसर जो बड़ी रैंक पर होते हैं वो लोगों की हेल्प करते हैं, पैसे से हेल्प करते हैं, कुछ मदद करते हैं, वो या तो लोगों के लिए कंबल देते हैं, कपड़े देते हैं या कुछ और सामान भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस शख्स से, जिस पुलिस वाले से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर कांस्टेबल की रैंक पर हैं, यानी कोई ऑफिसर तो नहीं है, सिपाही की रैंक पर है। लेकिन उनका काम और उनका दिल की आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाह, उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी भी होती है। यहाँ जो लोग बैठे हैं जिनके लिए काम कराया जा रहा है, ये सब लोग अपने टेस्ट कराना है, टेस्ट इनका कौन करा रहा है। मेरे साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल रैंक पर जो हैं हरिपाल सिंह जी मौजूद हैं। हरिपाल सिंह जी का जो काम है हम लगातार इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लगातार कई दिन से इनके पीछे पड़े हुए हैं, इनको देख रहे हैं ये काम क्या करते हैं। लगातार हम चीज देखते आ रहे हैं कि ये लोगों को कभी कपड़े देते हैं, कभी राशन देते हैं, कभी कंबल या सर्दियों में रजाई तक उन्होंने लोगों के, गरीब लोगों की हेल्प की है। यहाँ जो औरतें बैठी हैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं, इनके लिए हरिपाल सिंह जी फ्री ऑफ कॉस्ट इनका टेस्ट करा रहे हैं, ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, शुगर टेस्ट करा रहे हैं। हरिपाल सिंह से ही पूछेंगे, हरिपाल सिंह जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इसके लिए। ये जो आपके दिल में और दिमाग में आई चीजें कि ये कहां से आया है सब कुछ करने का? हमारे दिल दिमाग में कुछ नहीं आया, इतना जानते हैं बस कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया धर्म ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक इंसान जिंदा है तब तक दया होनी चाहिए दिल के अंदर, जब तक दया होगी तभी हम इंसानों कहलाएंगे। और इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, करने वाला सिर्फ परमात्मा है। हम तो नाम मात्र बने हुए हैं, हम कुछ न कर सकते थे, न आज कर रहे हैं और न करेंगे, सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है, हम कुछ नहीं करते हैं। हाँ, आज जो इनकी जांच हो रही है, इनकी शुगर की जांच हो रही है, अभी इनके नेत्रों की जांच करा के आए हैं, इनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, इसके लिए इनकी जांच कराई जा रही है जिससे हम इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा सकें। अच्छा हरिपाल सिंह जी, पहले आपसे पूछेंगे कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर कब भर्ती हुए थे, पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दें हमें कि आप कहां से आते हैं, कब आप भर्ती हुए थे पुलिस के अंदर? हमारी भर्ती दिसंबर 2015 की है, दिसंबर 2015 में हम यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे। और यहां पे हमने बस इतना समझा है कि हमारी जो सैलरी है लोगों की सहायता करने में जाती रहे तो हमारा जो धन है उसका सही उपयोग हो सकेगा। अपने लिए तो हर कोई जीता है, इंसानियत यही है कि कुछ दूसरों के लिए भी जिया जाए। इसी क्रम में हम दूसरों की सहायता करने में लगे हुए हैं और प्रभु कृपा रही तो आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, आप हैं कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, आपकी फैमिली के परिवार के लोग कैसे हैं सब? हमारी फैमिली की बात करें तो हमारी फैमिली में हमारे पिताजी का बचपन में स्वर्गवास हो चुका है, बड़े भाई हैं वो लापता हैं, उनको 20 वर्ष हो गए, और माताजी हैं, वृद्ध माताजी हैं, और एक हमारी पत्नी है और एक हमारा बच्चा है। ये हमारी टोटल फैमिली है, हम मथुरा से बिलोंग करते हैं और इस समय हमारी कस्बा छतारी, थाना छतारी में ड्यूटी चल रही है। तो ये जो आप जो मतलब खर्च करते हैं ये पूरा अपने जेब से लगाते हैं या कुछ आपके जो ऑफिसर हैं, आपके जो साथी हैं वो भी आपकी हेल्प करते हैं इसमें? नहीं, प्रभु कृपा से हमारी जो सैलरी है अपनी सैलरी से ही सबका खर्च उठाते हैं। आपके कोई साथी वगैरह आपके इसमें हेल्प नहीं करते हैं? नहीं, अभी तक तो किसी ने हेल्प नहीं की और हम आशा करते हैं कि ऐसी आवश्यकता भी न पड़े, क्योंकि अपनी सैलरी से ही सेवा होती रहे यही बहुत है, क्योंकि हमें पब्लिक फंडिंग नहीं चाहिए। अच्छा हरिपाल सिंह जी, ये जो दिमाग में आइडिया आया कि लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना, तो ये कब दिमाग में आया आइडिया जो था ये वाला? हाँ, ये एक बार हमने एक समाधि पर लिखा हुआ देखा था, कबीरा तेरी देह है जब तक तू दे, और देह खेमे मिलेगी तो फिर कौन कहेगा दे दे दे, जब तक तेरी देह है जब तक तू दे।
तो आपने यही जो दोहा देखा ये सुना था, इसके बाद से आपको एक लग गया कि भाई मुझे लोगों की मदद करनी है, तो इतनी मदद करने में क्या लगता है कि सुकून मिलता है, कितना सुकून मिलता है आपको काम करने के बाद? हमारे हृदय को बहुत प्रसन्नता मिलती है जब किसी की हम हेल्प करें, क्योंकि हमें लगता है कि हम इंसानियत की जिंदगी जी रहे हैं, और यदि हम हेल्प ना करें या किसी की सहायता ना करें तो हमें ऐसा लगता है कि हम कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं। मानवता के नाते एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे का सहयोग करना, सामाजिक प्राणी का भी एक नाता होता है, सामाजिक प्राणी के नाते हमें हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, अगर हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या कहीं की पुलिस हो, पुलिस को देख के लोगों के अंदर एक डर सा पैदा हो जाता है, उनको लगता है कि पुलिस वाला है, लोगों को डराएगा धमकाएगा, लेकिन एक तरफ लोग आपको देखते हैं तो आप इतने अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोगों को क्या देख के कभी ऐसा लगा कि लोगों ने बड़ा प्यार दिया हो आपका, लोगों ने बड़ी मोहब्बत मिली हो? हमें तो मोहब्बत ही मिलती रहती है, जहाँ भी जाते हैं वहीं पर प्यार ही प्यार मिलता है, क्योंकि सबको हम अपना वसुदेव कुटुंब की भावना रखते हैं, सभी से इतना ही प्यार रहता है, सारे संसार को अपना परिवार समझते हैं, और संसार को हम परिवार समझेंगे तो लोग हमसे मोहब्बत करेंगे ही करेंगे। अच्छा, अभी तक आपने क्या क्या लोगों की हेल्प की है, किस तरह से लोगों की हेल्प की है अभी तक? हमने कुछ नहीं किया, सब करने वाला परमात्मा है, फिर भी प्रभु कृपा से जो हेल्प की गई है, कहीं पे किसी के घर पे छप्पड़ पड़ा हुआ है उसे हटवा करके टीन डलवा दिए हैं, किसी घर में खाने के लिए कुछ सामग्री नहीं तो राशन दिलवा दिया है, सर्दी में रजाई दिलवा दी है, और जैसी भी हेल्प होती है जरूरतमंद की जितनी हो सकती है हम करते रहते हैं और करेंगे। हमारा ये जीवन का मूल मंत्र है कि हम जितना बने अनाथ असहायों की सेवा करते रहें, इसीलिए हमने YouTube पे चैनल बनाया है श्री हरि सेवा, जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकें जो जरूरतमंद हैं और उनकी हेल्प कर सकें। अच्छा, लोग आपसे अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे कैसे मिल सकते हैं लोग? हमें सबके पास हमने नंबर दे रखा है, सभी हमसे नंबर पे कांटेक्ट करते रहते हैं, और बाकी के हमारे श्री हरि सेवा से जुड़े साथी हैं वो हमें बताते रहते हैं और हम जरूरतमंदों के पास पहुँच करके उनकी सेवा करते रहते हैं। हमारे साथ में हरिपाल सिंह जी हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर कांस्टेबल की रैंक पर है। मैं बता रहा हूं आपको लगातार कि हरिपाल सिंह जी ने इतना अच्छा काम किया है कि वो लोगों की मदद करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहां पर भी टेस्टिंग लगातार चल रही है। हमने आपको बताया कि हम लगातार हरिपाल सिंह जी को फॉलो कर रहे थे, कई दिन से हम देख रहे थे उनको कि वो आखिरकार, हमने सुना था इनके बारे में कि हरिपाल सिंह जी लोगों की मदद करते हैं कपड़े से, राशन से, या किसी भी तरह जिस तरह से हेल्प बनती है वो हेल्प करते हैं। तो हम लगातार फॉलो करने के बाद में आज हरिपाल सिंह जी हमें यहाँ मिल गए। ये जो एक लैब के बाहर बाहर खड़े थे जहाँ पे लोगों का टेस्टिंग करा रहे थे, उन्होंने अभी कहा कि हम लोग आंखों की जांच भी करा कर आएँ और लोगों का टेस्ट, शुगर का भी टेस्ट करा रहे थे और ब्लड टेस्ट भी करा रहे हैं, जिसको जो परेशानी होती है हरिपाल सिंह जी बड़े अच्छे से मेहनत करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। ऐसे पुलिस वालों को हम मुबारकबाद भी देना चाहते हैं कि जिनको देख करके, उत्तर प्रदेश की पुलिस को देख कर या कहीं की पुलिस को देख करके, ऐसे लोगों को देख करके लोगों के दिलों में पुलिस के लिए इज्जत बढ़ती है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ साजिद मलिक, समाचार वाले।